माय चैनल, मेरे चैनल का नाम है इंडियन लोकल गोलू और मैं हूँ गोलू। और अभी बजे सुबह के 10:30 और घर का सारा काम यहाँ हो गया, पड़ा हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ है मेरा। तो और मैंने आज सुबह ही रसोई बना ली है, क्योंकि फादर इन लोग का टिफिन भी बनाना होता है, मदर इन लोग का खाना मैं दोपहर को ही बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि चलो थोड़ा कम स्पाइसी बना के दोनों का एक साथ बना लेती हूँ, और चपाती थोड़ी बाकी बनाने की। और आप सब कैसे हो? और अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजाक कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे अपने फैमिली साथ। आई होप सो, भगवान आप सबको अपनी फैमिली में खुश रखे। और कल में काफ़ी देर के बाद हम लोग आए, 2 बजे सुनते सुनते 2 बज गए थे, और मैंने व्लॉग वहीं पे एंड कर, अभी मैं प्लेट साफ कर रही हूँ, और मेरे असिस्टेंट लोगों के 2 बच्चे कभी भी आके फ्रिज को ऐसे चालू बंद करके पूरा गंदा कर देते हैं। तो जब भी मुझे दिन में टाइम मिलता है तो मैं ये साफ कर देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई टाइम रहता है मेरा डेली का कि मॉर्निंग में ही साफ करूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है दिन में तब मैं साफ कर लेती हूँ। और मुझे पसंद नहीं है ऐसा डस्ट वाला कोई भी चीज़ घर में हो, तो मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं साफ कर लेती हूँ। और बच्चे को तो क्या कहना, वो लोग तो समझते नहीं है, तो मैं हम लोग तो समझते हैं ना, तो मैं ऐसे ही साफ कर लेती हूँ दिन में कभी भी। अभी मैं टीवी साफ कर रही हूँ, और जो मेरे घर का सामान है, फॉर एग्जांपल विंडोज या फिर फर्नीचर, फ्रिज, टीवी या फिर हमारे किचन के ड्रॉवर्स, उसे मैं कॉलिन से ही साफ करती हूँ। और आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि कॉलिन इज़ द बेस्ट, हमारा टाइम भी बच जाता है और काम इजी भी हो जाता है, और सब घर का सामान एकदम क्लीन हो जाता है। मैं डेली यूज़ करती हूँ। और जो हमारे घर के वेस्ट कपड़े होते हैं उसे मैं ड्राई करके, वॉश करके अच्छी तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में रख देती हूँ, ताकि हम दूसरी बार यूज़ कर सके उसे। गरम पानी में भिगोती हूँ और सरफ डाल देती हूँ। और मेरे फादर इन लोग को मैं अलग से कपड़े भिगाती हूँ,
थोड़ा पानी इस बाल्टी में भी ले लूंगी, ताकि जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और उनके वाइट कपड़े तो वो अलग से, और ये ध्रुव का कपड़ा है वो भी मैं अलग से भिगोती हूँ। ये चड्डी मतलब उसका यूनिफॉर्म, और जो विनोद ने कल शर्ट पहना था वो भी मैं अलग से करती हूँ। और अभी फादर इन लोग के कपड़े हैं, बाजरे का आलू आटा लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक डालूंगी, फिर अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूंगी, डो बना लूंगी इसका। हे गाइस, देखो मैंने बना लिया है रोटला, हमारे गुजराती में इसे रोटला कहते हैं बाजरे का, और मैंने बना लिया है। मुझे पहले नहीं आता था लेकिन यहाँ पे आके मैं सीख गई हूँ। मुझे चपाती भी बनानी नहीं आती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी कुरकुरे के जैसे, तो अभी ही मैं सब कुछ सीख गई हूँ यहाँ आके। स्कूल नहीं जाना था, वो खाना खा रहा है और काम भी सब हो गया है। और जो बोल रहा था कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसको मैंने कहा कि आज स्कूल नहीं जाना है, तो पूछ रहा है क्यों नहीं जाना है, तो मैंने कहा कि आपके यूनिफॉर्म दोनों भिगो दिए हैं मैंने, इसीलिए आपको नहीं जाना है स्कूल। ओके ठीक है, तो होमवर्क भी कर लिया है और खाना भी खा रहा है, और हस्बैंड अभी आते होंगे खाना खाने के लिए, और मदर इन लॉ आते हैं 2 बजे। तो मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब खाना खाती हूँ, मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ और दोपहर में ध्रुव को जब बस में छोड़ के आती हूँ तब मैं 12 या 12 बजे के बीच में खाना खा लेती हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली रात को खाना खाती हूँ। मैं बीच में को चाय या कॉफी कुछ भी नहीं। मेरा एक खाना है, मैंने सेपू का भाजी बनाया था और मेथी का अचार है, और एक दो चपाती लेती हूँ मैं दोपहर को, बस मेरा यही खाना है। बनाया मैंने फ्लावर गोभी का भाजी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है वो, इसलिए मैं आज यही खाऊंगी सिर्फ। मैं मकेंस का जो स्माइली पोटैटो आता है वो मैं लेके आई थी, और दूसरे मैंने बाजू में चाय भी रख दी है, और मदर इन लॉ चाय पीने वाले हैं, और पोटैटो फ्राई भी हो गया है, और उससे मैंने मेयोनीज के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना मकेंस का पोटैटो स्माइली।